गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टॉपिक चल रहा था लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल ऑफ वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड के जो पीपल उनकी लाइफ स्टाइल पढ़ रहे थे, तो अगला टॉपिक आता उसमें एजुकेशन। अब एजुकेशन जब बात करते हैं, द गुरुकुल सिस्टम वॉज प्रिवेलेंट इन दिस पीरियड। अब वैदिक पीरियड में गुरुकुल सिस्टम चल रहा था, यानी जो स्टूडेंट्स हैं जनरली पढ़ने के लिए वो गुरुकुल जाते थे, जहाँ पर जो टीचर है वो जनरली पेड़ के नीचे बैठ के बच्चों को कहानियाँ वगैरह सुनाते हैं या कुछ बातें बताते हैं, ठीक है। इस तरह से टीचिंग वहाँ पर उस समय चलती थी। द टीचर वॉज कॉल्ड गुरु। टीचर को उस समय गुरु के नाम से जाना, गुरु बोलते थे जनरली। एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड इन आश्रम्स एंड संस्कृत लैंग्वेज वॉज प्रोमिनेंट। अब जो एजुकेशन है, बच्चों को जो पढ़ाई लिखाई है जनरली बात करें एजुकेशन की, तो वो आश्रम वगैरह में दी जाती थी। संस्कृत लैंग्वेज वॉज प्रोमिनेंट, और उसमें भी बात करें जो मीडियम है लैंग्वेज का वो संस्कृत है। यानी गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए बच्चे जाते थे। जनरली इसमें होता क्या, तो गुरुकुल की जब बात करते हैं तो पेरेंट्स ये करेंगे अपने बच्चे को गुरुकुल में भेज देंगे और बच्चा वहाँ पर 5 साल, 10 साल, 15 साल रहकर पढ़ाई करता था। और जनरली बहुत कम चांस होता था कि पेरेंट्स से मिलने वो आते हैं, पेरेंट्स से मिलने जाते थे। जब पढ़ाई पूरी हो जाती थी उसके बाद ही वो अपने घर पर जाते थे। जो टीचर है उनको गुरु बोला जाता था। टीचर इन दिस पीरियड इज कॉल्ड गुरु। एंड एजुकेशन वॉज इम्पॉर्टेंट आश्रम। एजुकेशन कहाँ मिलती है, आश्रम के अंदर मिलती है। संस्कृत लैंग्वेज वॉज प्रोमिनेंट, और संस्कृत लैंग्वेज ज़्यादा यूज उस समय हुई करते थे वो, ठीक है। देन अगला टॉपिक है वेरियस कल्चर इंडिया। इंडिया में काफ़ी सारे कल्चर देखने को मिले, वो देख लेते हैं एक बार। नियोलिथिक, कैलियोलिथिक एंड मेगालिथिक कल्चर फ्लरिश ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो नियोलिथिक कल्चर देखने को मिला, कैलियोलिथिक कल्चर देखने को मिला और मेगालिथिक कल्चर भी देखने को मिला। ये जो टॉपिक है जनरली हमने सेकेंड थर्ड चैप्टर में इसको देख लिया था एक बार। और बात करते हैं जो तीनों कल्चर हैं ये वैदिक पीरियड में आपके फ्लरिश हुए, वैदिक पीरियड में फल रहे हैं, फूल रहे हैं। कहाँ पर, डेक्कन के एरिया में, राजस्थान, कश्मीर, साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पर ये कल्चर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एट मैनी साइट नियोलिथिक एंड कैलोलिथिक साइट पिट बुरियल्स हैव बिन फाउंड। अब बात करते हैं जब वैदिक पीरियड में जहाँ पर नियोलिथिक और कैलोलिथिक कल्चर देखने को मिल रहा है, ये नियोलिथिक और कैलोलिथिक साइट देखने को मिल रही है, वहाँ पर पिट बुरियल्स, यानी कि क्या होता है कि पिट बुरियल्स मतलब क्या होता है, जनरली जो पर्सन की डेथ हो जाती है उनको कहीं दफनाया जाता है, तो वो देखने को मिल रहा है। अब उनको जब डिग करोगे, जब खोदोगे, तो उसमें से हमें बॉडी, जो बॉडी तो मिलने वाली नहीं जनरली, लेकिन उनके साथ में पोर्ट्स वगैरह या फिर उनके जो फेवरेट आइटम्स वगैरह हैं वो उन बुरियल साइट्स में देखने को मिलते थे। द ग्रेव वुड्स इंक्लूडेड पॉट्स ऑफ ब्लैक एंड रेड वेयर फिल्ड विद फूड एंड वाटर। अब ये जब ग्रेव की बात करते हैं, जो कब्र है यहाँ पर, पिट बुरियल्स की जब बात करते हैं तो गुड ग्रेव गुड्स की बात कर रहे हैं, यानी जो ग्रेव है, जो कब्र है, उसके अंदर उस जो पर्सन, जो जिस पर्सन को हमें दफनाया था उस पर्सन के लिए उसमें हमने पोट रखे हुए, मटके रखे हुए, उस मटके के कलर, मटका जो है उसको कलर कर रखा है ब्लैक और रेड कलर से कलर कर रखा है, और उसके अंदर हमने उनके लिए फूड और वाटर, ऑर्नामेंट्स और सेल बीड्स, कॉपर, बोन एटसेट्रा, ये सब उसमें स्टोर करके उनकी जो ग्रेव है उसमें रख दिया था, ताकि हम क्या मानते उस समय अर्ली वैदिक पीरियड में कि जो ह्यूमन है डेथ के बाद उसकी एक नई जर्नी स्टार्ट हो जाती है, और नई जर्नी में ये सभी चीज़ें उसके यूज आने वाली होती थी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे एक केस स्टडी आने वाली है इनम गांव के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये कहाँ पर देख लेते हैं, इनम गांव जनरली आपका पुणे महाराष्ट्र में है, ये मतलब एक विलेज है जनरली, ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर पुणे सिटी के अंदर ये मिलती है, पाई जाती है। इज अमंग द कैलियोलिथिक साइट, और ये कौन सी साइट है, कैलियोलिथिक साइट है, जहाँ पर पिट बुरियल्स हमें देखने को मिले, पिट बुरियल्स क्या देखने को मिले, वहाँ से जब हमने खुदाई करी वहाँ उस एरिया की इनम गांव की, तो वहाँ से पिट बुरियल्स देखने को मिले। दे हैड सैड रूप मेड ऑफ ग्रास। अब वहाँ पर जब खुदाई करी तो वहाँ पर झोपड़पट्टी देखनी, झोपड़ी वगैरह देखने को मिल रही है, और वो किसकी बनी हुई है, ग्रास की, सूखी घास की। जो मान लो जो गांव में आप जाओगे तो जो घर बनते हैं जनरली वो घास के बनते हैं, जो छतें हैं वो घास की बनाई जाती है, लकड़ी और घास की बनाई जाती है, तो सैड रूफ वहाँ पर देखने को मिल रही है ग्रास की। द हाउस वर रेक्टेंगुलर एंड स्पेसियस। अब जो घर है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाए जाते हैं जनरली, और स्पेसियस यानी अच्छी खासी स्पेस उन घरों में देखने को मिल सकती है। जैसे आपने रामायण महाभारत देखी हुई, तो रामायण में जब भगवान राम वनवास गए थे तो उन्होंने जब कुटिया बनाई थी, तो कुटिया में, कुटिया का जो ऊपर वाला पार्ट था, जो छत वाला पार्ट, उन्होंने घास ही वहाँ पर लगाई थी, और आप उसके अंदर जाकर देखोगे तो बहुत ज़्यादा स्पेस देखने को मिल रही थी वहाँ पर। तो इसी तरीके से जो इनम गांव वाला सीन है वहाँ पर भी ये चीज़ देखने को मिलने वाली है। देयर वर वॉल्स अराउंड द सेटलमेंट, और ये सेटलमेंट इनम गांव वाला, उसके
चारों तरफ वॉल्स वगैरह दीवार वगैरह देखने को मिलती है। ऑन द रिवर बैंक देयर वॉज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर बोट्स, और साथ में जो इनम गांव है वहां के आसपास जो रिवर है, रिवर में बोट है, रिवर जो है नदियों में नाव वगैरह भी इसमें रखी हुई है, और नाव में जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना रखा, क्या बना रखा, एक प्लेटफॉर्म बना रखा ताकि आसानी से आप नाव में जाके बैठ सको। चैनल्स टू कैरी वाटर टू अ फील्ड फॉर इरिगेशन, और खेतों में पानी लेके जाने के लिए भी उन्होंने रास्ते बना रखे थे ताकि पानी को आसानी से खेतों में लेकर जा सके। मैनी स्टोन टूल्स पोल्ट्री आइटम्स ऑफ रेड वेयर विद ब्लैक डिजाइन ऑन देम वर फाउंड, अब यहाँ पर काफी सारे स्टोन के टूल्स, पत्थर के बने हुए टूल्स भी मिले, औजार मिले हैं, पोल्ट्री मटके वगैरह देखने को मिले हैं, ठीक है, जो कि हमें ब्लैक और रेड कलर से उनको पेंट करके रखा, उनको कलर करके रखा हुआ था। सम कॉपर टूल्स आर ऑल्सो फाउंड, और कॉपर के टूल्स भी बने, कॉपर के औजार भी बने, तांबे के औजार भी मिले जनरली यहाँ पर। टेराकोटा फिगर वॉज ऑल्सो फाउंड इन विच वेयर बेक इन क्लिन, अब जो टेराकोटा फिगर भी देखने को मिला, यानी मतलब ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिले जो 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 कि आपके टेराकोटा से बनाए गए थे। देन फूड हैबिट की बात कर लेते हैं, द रिमेन सजेस्ट द पीपल ऑफ इनम गांव ग्रू मिलेट्स बार्ले वीट लेंटिल्स पी ग्राम बीन्स, ठीक है, अब यहां पर वो क्या ग्रो करते हैं, मिलेट्स करते हैं, मिलेट्स बार्ले वीट वगैरह ग्रो करते हैं, पी ग्राम वगैरह ग्रो करते हैं, और साथ में डोमेस्टिकेट करते हैं कैटल्स में, डोमेस्टिकेट करते हैं कैटल, जानवर पालते हैं जिसमें शिप गॉट डॉग हॉर्स पिग वगैरह ये नॉर्मल है, कॉमन है। प्लांट पीपल एट प्लांट्स मीट फिश एंड डेयरी प्रोडक्ट, अब उस समय जो लोग हैं वहां पर वो प्लांट्स को या मीट को, फिश या फिर डेयरी प्रोडक्ट को खाते हैं। अब बात करते हैं बुरियल्स की, एट इनमगांव द डेड वर बरीड इन पिट डग इन द फ्लोर ऑफ द हाउस इटसेल्फ, अब बात करते हैं बुरियल्स की, तो बुरियल्स में बात कर रहे हैं यहां पर, अब मान लो जो एक मतलब एक सिंपल से घर मान लेते हैं, मतलब इनमगांव में एक घर मान लेते हैं, उस घर में अगर किसी पर्सन डेथ हो गई तो वो उसको घर के बाहर दफनाते नहीं थे, घर के अंदर ही उसके लिए एक जगह बनाकर वहां पर उसको दफना दिया जाता था। देखो द डेड वर बरीड इन अ पिट डग इन द फ्लोर ऑफ द हाउस इटसेल्फ, डेड एडल्ट वर बरीड डायरेक्टली इन द पिट, और जो डेड एडल्ट है यानी जो अगर एडल्ट की डेथ होती है तो उसको डायरेक्टली पिट में मतलब बरीड किया जाएगा, और चाइल्ड की डेथ होती है तो उसको एक कंटेनर में मतलब कंटेनर में रख के उसको मतलब बरीड किया जाता था। मेगालिथिक बुरियल्स हैव ऑल्सो फाउंड, अब मेगालिथिक बुरियल्स भी देखने को मिला, कैलोलिथिक बुरियल्स देखने को मिले, बाद में मेगालिथिक बुरियल्स भी देखने को मिले। सच बुरियल्स वर लोकेटेड अंडरग्राउंड एंड बुरियल स्पॉट्स वर मार्क बाय बिग स्टोन, अब मेगालिथिक में क्या, मेगालिथिक बुरियल्स जो है आपके मेगालिथिक जो कब्र है उसमें अगर आपने घर के बाहर कब्र बना दी और उसमें एक बड़ा सा पत्थर भी लगा के रखते थे ताकि मालूम चले कि ये किसी की कब्र है, वहां पर मतलब वहां पर लोग आके बैठते नहीं थे जनरली, मतलब उस पर कुछ काम नहीं करना, बस उसको बना के साइड में छोड़ देते थे। दे प्रॉबली सर्व एज अ साइन पोस्ट, और वो एक तरह से जो बड़ा सा स्टोन लगा है कब्र के पास में वो एक साइन पोस्ट की तरह बना के रखते थे, और वहां पर ऑब्जेक्ट्स जैसे कि आपके ग्रेन पोटरी टूल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। डिक्लाइन द लास्ट फेज द सेटलमेंट पीपल ऑफ इनमगाम सीम टू हैव फेस्ड सम सीरियस प्रॉब्लम, जब बात करें जब इनमगाम डिक्लाइन हुआ, जब इनमगाम जो आपका डिस्ट्रॉय हो रहा था, जब वो डिक्लाइन हो रहा था तो वहां पर बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम्स देखने को मिली होंगी, क्योंकि वो जब वो डिक्लाइन हुआ, डिक्लाइन का मेन कारण क्या था, फार्मिंग एक्टिविटी कम हो गई, खेती वहां पर कम हो गई थी अचानक से, पीपल स्टार्ट रिलाइंग मोर ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग फूड, अब जो वहां के लोग हैं वो एक तो हंटिंग शिकार पर और फूड गैदर करने पर डिपेंड होने लग गए थे। इंस्टेड ऑफ लार्ज रेक्टेंगुलर हाउसेज वी फाइंड स्मॉल एंड राउंडेड, पहले जो पहले इनम गांव में हमें बड़े बड़े घर देखने को मिल रहे हैं, अब उसके बाद में जब डिक्लाइन हो रहा है इनम गांव तो वहां पर छोटे छोटे झोपड़पट्टी देखने को मिल रही है, छोटी छोटी झोपड़ी वगैरह वहां पर देखने को मिल रही है। पीपल वर बिकमिंग पुअर एंड देयर ओल्ड वे ऑफ लाइफ हैड केम टू एंड, और लोग लगातार गरीब होते जा रहे हैं, और जो उनकी पहले वाली जो जिंदगी थी यानी बड़े से घर में रहते हैं मतलब जो लाइफ स्टाइल था धीरे धीरे वो खत्म होता चला जा रहा था। तो ये था आपका चैप्टर, देन इसे क्वेश्चन आंसर हम कवर करेंगे।